हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ की हिंदी मीडियम की मैथ्स का पार्ट सात करवाऊंगी। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? तो इसमें सबसे पहले हम इसको पैटर्न्स इसके हम समझेंगे। ईशा, ये जो है ईशा, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। अभी क्या बोलती है, मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। वह कैसे अलग था? ये दोनों आपस में बात कर रही है। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम, एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया, इनके एक बार ब्लॉक ऊपर, एक बार ब्लॉक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। पर मेरे भाई के कुर्ते में मैं यह पहले ऊपर की ओर, फिर हर बार इसे एक चौथाई घुमा घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। अब देखो, ब्लॉक तो दोनों में सेम है, लेकिन जब इसकी माँ ने बनाया तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और इसी ब्लॉक से जब इसने बनाया अपने भाई के कुर्ते पे, तो इसी ब्लॉक को उसने हर बार एक चौथाई घुमाया। एक चौथाई घुमाया तो ऐसे, फिर इसको एक चौथाई घुमाया तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर इसको एक चौथाई घुमाया, फिर इसको एक चौथाई घुमाया, इस तरीके से उसने ये पैटर्न बनाया। अब लिखा है कि अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम बनाओ, अपना नियम बनाना है, और ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। अपने नियम से अब आपको एक पैटर्न बनाना है। ऐसे यहाँ पे घुमाव और पैटर्न है। इस ब्लॉक को देखो, इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव में हमने तीन अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न को देखो, एक बार इसी पैटर्न को एक चौथाई घुमाया, फिर इसी पैटर्न को आधा घुमाया, फिर इसी पैटर्न को तीन चौथाई घुमा रखा। तो जब एक चौथाई घुमाते थे तो इसको इस तरीके से हो जाता है, फिर इसको एक चौथाई, फिर इसको एक चौथाई, ऐसे ऐसे, फिर इसको आधा आधा घुमाएंगे तो ऐसे, आधा घुमाएंगे फिर ऐसे, ठीक है। पहले फ्लावर ऊपर है, फिर फ्लावर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, जब एक एक आधा आधा इसको घुमाएंगे। जब इसको तीन चौथाई घुमाएंगे तो ये फ्लावर पहले ऊपर है, फिर तीन चौथाई घूमकर इस तरीके से हो जाएगा, फिर तीन चौथाई घूमेगा तो नीचे, फिर तीन चौथाई घूमेगा तो इस तरीके से, ठीक है। तीन तरीके से इस ब्लॉक को इन्होंने घुमाया। अब आगे देखो, जो हमें यहाँ पे दे रखा है, अब ये जो है आगे क्या आना चाहिए, इसके आगे क्या आएगा, यहां से देख के देखो कि पहला जो है वो इतना है, ठीक है, दूसरा है वो आधा है, यानी कि यहां से ये इतना यहां पे आया ही थोड़ा सा, यानी कि कितना, ये लगभग एक चौथाई भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम ही जो है वो इतना घूमा है, ठीक है, इतना जो है ये घूमा है, इतना घूमा है, तो ये सीधा हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे घूमा तो ये ऐसे हो गया, जब थोड़ा सा और आगे घूमेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और थोड़ा सा और आगे घूमेगा तो ये इधर यहां पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जो n है, इस n को पहले क्या करा, ये n तो एक चौथाई घुमा हुआ, जब एक चौथाई घुमा तो ये इस तरीके का बन गया, फिर इसको एक चौथाई घुमाया तो ये ऐसा बन गया, और फिर इसको एक चौथाई घुमाया तो फिर ये ऐसा बन जाएगा, और जब इसको फिर से एक चौथाई घुमाएंगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा फिर से, ठीक है। अब यहां पर भी जो है हमें इसको करना है, इसको पहले आप देख रहे हो फोर डॉट हैं, ये फोर डॉट इधर आ गई इस साइड, और ये वाली डॉट कहां चली गई, ऊपर चली गई, फिर इसको घुमाया तो ये जो फोर डॉट्स हैं फिर इस साइड आ गई, और ये डॉट हमारी इधर चली जाएगी। अब इन फोर डॉट्स को घुमाएंगे तो ये फोर डॉट्स हमारी वापिस ऐसे ही बन जाएगा, और उसके बाद फिर से ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर डबल प्रिंटिंग हो रखी है, ये देखो, पहले ये हमारा जो डायमंड है, ये ब्लॉक है, ये नीचे है, फिर इधर है, फिर देखो पहले ये नीचे है, फिर नीचे के बाद इधर है, इधर, फिर इधर के बाद इधर है, इधर, अब इधर के बाद किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो कौन सा वाला बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा अब इसके बाद, और उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा तो उसके बाद ये वाला बनेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पर भी एफ जो है, पहले ये सीधा एफ दे रखा है, ये अब हमारा एक चौथाई घुमा तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर एक चौथाई घुमा तो आधा हो गया, फिर एक चौथाई घुमा तो ऐसे हो गया, फिर जब एक चौथाई घूमेगा तो बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा, और फिर जब एक चौथाई घूमेगा तो फिर ये थोड़ा सा और तिरछा ऐसे हो जाएगा। अब नीचे देखो, इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव, यानी कि जो हमने घुमाव अभी किए हैं ना, ये सारे हमारे 45 डिग्री के घुमाव थे, जो अभी तक हमने किए थे वो भी 45 डिग्री के थे जो हमने ऊपर किए हैं। और इस पैटर्न का नियम भी यही है कि 45 डिग्री का जो घुमाव हर बार, अगला क्या होना चाहिए सही पर टिक लगाओ। इसके बाद जो है ये है, इसके बाद जो है बिल्कुल यही, इसके बाद अगर 45 डिग्री घूमेगा तो ये आधा बनेगा, तो इसके बाद ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर 45 डिग्री घूमता है
तो फिर वो ऐसा बनता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये इसके बाद नहीं होगा। हाँ, अगर ये ऐसा है, इसके बाद अगर हम देखें, ये इसके बाद ये ऐसा बन सकता है 45 डिग्री, अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो इसमें जो है वो ये वाला टिक होगा, क्योंकि अगर हम इसको 45 डिग्री घुमाते हैं तो इन दोनों में से जो है वो इस तरीके का बनेगा। जैसे आपको मैंने बताया था 45 डिग्री घुमाने पे ये जो है इतना नीचे आ जाएगा, तो ये जो है इस तरीके का बनेगा फिर, ठीक है। ऐसे हमें आगे जो है सारे 45 डिग्री जो है इसको घुमाते जाना है, और इस तरीके से ये जो आगे आगे बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम 45 डिग्री घुमाते जाएंगे तो ये आगे देखो, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे फिर ये इस तरीके से बनेगा, फिर थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर इधर, फिर थोड़ा सा और आगे, फिर इधर, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा जो है और ऊपर की तरफ जाएगा, तो करते करते जो है हमारा इस तरीके से ये बनेगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगी तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा और तिरछा और ऐसे, और फिर उसके बाद कैसे बन जाएगा, इसको और ऊपर करूंगी तो इस तरीके से बन जाएगा। अब मैंने जो इसको इस तरीके से लिखा हुआ, इन्होंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये है बिल्कुल सेम वैसे ही। उसी तरीके से पी को हम 45 डिग्री जो थोड़ा थोड़ा आगे मूव करते जाएंगे, इसको मोड़ते जाएंगे। अब आगे यहां पे दे रखा है लाल रेखा में के बाई और नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा, इसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। देखो अगर हम इसको देखें, पहले हमने इसको देख के समझना है, इसको देखें, ये जो नीले वाला, इसका जो पर्पल वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा मुड़ा है, यानी कि ये 45 डिग्री हल्का सा मुड़ा है ना, थोड़ा सा, तो ये इनकी 45 डिग्री जो है ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये 45 डिग्री। फिर इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो ये हर बार ये 45 डिग्री घड़ी की दिशा से में घूम रहा है। अभी देखो, अभी जो नीले वाला हिस्सा है ये बिल्कुल कहां आ गया, नीचे, यानी कि बिल्कुल आधा घूम गया, आधा मतलब 90 डिग्री। उसके बाद घुमाया तो ये आधा इधर आ गया, और फिर जब इसको घुमाएंगे तो ये हिस्सा अब ऊपर चला जाएगा यहां, तो ये भी हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इसको देखो, पहले ये इस तरीके से है, जब इसको घुमाया तो ये हिस्सा नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो अब ये क्या बन गया, 90 डिग्री का हो गया। और फिर जब इसको घुमाया तो फिर से ये पहले की तरह बन गया, यानी कि आधा फिर से ही घूम गया। अब इसको फिर से घुमाएंगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा, आधा घूम रहा है इसलिए, ऐसे ही इसमें है देखो, ये हमारा इस तरीके से बना हुआ। अब इसको आधा घुमाया हुआ इन्होंने, यहां से ये इधर है इसका, हाँ ये आधा ही घुमा हुआ है। इसको जब घुमाया तो ये हिस्सा इधर आ गया और ये हिस्सा इधर चला गया, आधा घुमाया। फिर इसको आधा घुमाया तो ये ऊपर ये नीचे आ गया, फिर इसको आधा घुमाया तो ये आगे और ये पीछे, तो यानी कि ये भी घड़ी की तरह घुमा हुआ। और फिर इसको जब दोबारा घुमाएंगे तो वापस ये ऐसा ही हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में, ये जो है उल्टी दिशा में घुमा हुआ। आप देख रहे हो, इसको हमें इधर की तरफ घुमाना पड़ा। अब घड़ी जब चलती है तो आगे की तरफ चलती है, अभी तक हमने जितने भी किए हैं वो घड़ी की दिशा में आगे की तरफ करें, लेकिन ये उल्टी दिशा में घुमा हुआ, ये अब ऐसे वापस, इसलिए ये इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ये उल्टी दिशा वाला, आप यहां पर देखो, एक बार ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब यहां पर नीचे आना चाहिए था, तो जो इसमें नियम के अनुसार नहीं है उस पर आपको उसको आपको ठीक करना है, तो आपको ठीक से बनाना है। ऐसे इधर है, फिर ये नीचे, फिर इस तरफ, फिर ये ऊपर, फिर ये ऐसे हो जाएगा फिर से। अब ये जो होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था रिपीट, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है सब, अब सारे नीचे आने चाहिए थे, लेकिन ये बीच में ऊपर है। अब इसमें देख लो, ये हमारा ट्राइंगल है सर्कल के बीच में, ये हमारा सर्कल के बीच में डायमंड है, ये सर्कल के बीच में ट्राइंगल है, सर्कल के बीच में यहाँ पे डायमंड आना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे एक जादुई वर्ग दे रखा है, याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे, आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। जादुई वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें क्या करना है, इस वर्ग को 46 और 54 तक की संख्याओं से भरो, नियम हर पंक्ति में 150 जोड़ो, यानी कि जो भी इसमें नंबर आएगा वो 46 से 54 तक की संख्या के बीच का आएगा, ठीक है। और हमें कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले हमें ये दो संख्या दे रखी है, तो जो दो संख्या दे रखी है हम उन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे और 150 में से उसको घटा देंगे। इन दोनों को जमा किया 99, 150 में से घटा दिया तो 51, तो यहाँ पे हमारा 51 हो गया। अब हमारे पास ये दो नंबर हो गए,
इन दोनों को जमा कर लेंगे और 150 में से घटा देंगे तो 53 आ गया। ठीक है, ऐसे हमारे ये भी लाइन हो गई, ये भी हो गई। अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, इन दोनों को जमा किया कितना आया 102, 102 को 150 में से घटा दिया तो 48 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा 49 और 47 को हम जमा कर लेंगे तो 9 और 7 6 16, एक ऊपर 4 और 4 8 और 1 9, तो कितना आ गया 96 आ गया। अब 96 में को 150 में से हम घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, अब हमारे पास ये दो संख्या हो गई, अब इन दोनों को जमा कर लो 46 को और 54 को, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो यहां पे जमा करके देख लो, 46 और 54, 6 और 4 10, एक ऊपर 4 और 5 और 4 9 और 1 10, तो 100 हो गया। अब 150 में से 150 में से हमने इसको किसको 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो यहां 50 आ गया। ठीक है, हमने इसके अंदर यही करना है, दो दो संख्याओं को जोड़ के जो उत्तर आएगा उसको 150 में से घटाते जाएंगे, तो उसको साथ साथ हम लिखते जाएंगे। अब यहां पे हमें सिर्फ एक नंबर दे रखा है 25, ऐसे हमें इसमें करना है, इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्या में से भरो। जैसे हमने पहले 46 से 54 के बीच की सारी संख्या है, ऐसे यहां पे 21 से 29 तक की आएंगी। अब इसमें हर पंक्ति में हमें 75 जोड़ना है। अब हमें इसके अंदर हर पंक्ति में क्या जोड़ना है, 75 जोड़ना है। अब इसके अंदर हमें बीच में एक 25 नंबर दे रखा है, तो हमें सबसे पहले ऊपर एक नंबर ले लेंगे हम यहाँ पे 26, तो 26 को सबसे ऊपरी पंक्ति में हम पहले खाने में लिख लेंगे। अब हमारे पास अगर हम इसको तिरछा देखें, तिरछा देखें तो हमारे पास दो संख्याएं हो गई। अब 26 और 25 को अगर हम प्लस जमा करेंगे, इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमारा आएगा 51, अगर हम जमा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 51 आएगा। इसको अब हमने 75 में से जो है वो माइनस कर देना, घटा देना 75 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 26 और 25 को हमने जमा किया और 75 में से घटा दिया तो हमारा आ गया 24। ठीक है, अब हमारे पास ये इस तरीके से ये तीन संख्या हो गई। अब हम जो है एक हमें इधर, अब हमने यहाँ पे 26 ले लिया और इधर जो है अब हम क्या ले लेंगे, एक संख्या हम यहाँ पर और ले लेंगे, यहाँ पे अब हम जो है 22 ले लेंगे। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 25 और 22 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 47। अब 47 को हम 75 में से अगर माइनस करते हैं, 25 और 22 को प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 47। अब 47 को हमने 75 में से माइनस कर लेना है तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 28। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या 28। ये जो दो नंबर है हमने अपनी तरफ से लिखे 26 और 22, जब हमने इन दोनों को प्लस किया 75 में से माइनस किया तो हमारा ये नंबर आ गया, इन दोनों को जमा किया 75 में से माइनस किया तो हमारा ये नंबर आ गया। अब आप इन तीनों को जमा करके जब देखोगे तो आपका 75 ही जोड़ बनेगा, इन तीनों को जमा करके देखोगे तब भी आपका 75 जोड़ बनेगा। अब हमारे पास हर एक में दो दो नंबर हो गए, अब हम 26 और 28 को जमा करेंगे और उसके बाद हम इसको 75 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा 21। ऐसे 28 और 24 को जमा करेंगे और उसको 75 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा 23। ऐसे ही 24 और 22 को जमा करेंगे उसको 75 में से घटाएंगे तो 29 आएगा। 26 और 22 को जमा करेंगे उसको 75 में से घटाएंगे तो 27 आएगा। अब आप चाहे ऐसे इस तरीके से तीनों को जमा कर लो, चाहे इस तरीके से तीनों को जमा कर लो, चाहे इस तरीके से जमा कर लो, आपका हर तरीके से जो है वो 75 ही जोड़ होगा। ठीक है, यह है जादुई पष्टकोण। अभी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं, जादुई पष्टकोण कैसे है। अंकों के पैटर्न को पष्टकोण में देखो, हर भुजा पर दो गोले और एक चकोर खाना है। अब यहां पर क्या है, दो सर्कल है बीच में और बीच में एक स्क्वायर दे रखा है, जैसे कि उन्होंने बताया दो गोले के बीच में एक चकोर है, ऐसे ये दो गोले फिर चकोर फिर दो गोले एक चकोर, ऐसे ऐसे सारे में है। तो ये हमें क्यों दे रखा है, तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी, यानी कि इसके जो ये चकोर संख्या लिखी है, इसके जो साथ में दो हमें यहाँ पे लिखे हुए गोले में, ये इन दोनों को गुणा करने पे आएंगे, यानी कि 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 को गुणा करेंगे 7 से 70, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20,
ऐसे ही 2 को 13 से गुणा करेंगे 26, 13 को 5 से गुणा करेंगे 65, 14 को 5 से गुणा करेंगे 70 और 14 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 98 आएगा। यानी कि जो सर्कल वाली दो संख्याओं को गुणा करने पे बीच में दो गोल जो गोल उसमें लिखी हुई है संख्याएं गोले में, उन दोनों को गुणा करने पे चकोर वाली संख्या हमारी आएगी। जैसे कि 5 को 13 से गुणा किया था तो 65 आया था, और 70 किससे आया था, 14 और 5 को गुणा करने से 70 आया था। तो यहाँ पे हम 14 और 5 लिख देंगे, ठीक है। खाने में लिखी गई संख्या 65 को देखो, इसके दोनों ओर कौन से गोले हैं? 65 के दोनों ओर कौन से गोले हैं? 13 और 5। क्या तुम देख सकते हो कि यह नियम कैसे काम करता है? ये नियम कैसे काम करता है, मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों सर्कल को गुणा करने पे बीच में चकोर वाली संख्या है जो वो आ जाती है। ऐसे ही हमें अब यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे हमें एक संख्या दे रखी है, लेकिन ये जो इसके साइड के जो दोनों गोले हैं उसमें सिर्फ एक की संख्या दे रखी है, एक किन दे रखी है और चकोर की दे रखी है। तो हमें इस गोले की पहले संख्या निकालनी है। तो हमें इस गोले की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों गोलों की संख्या को गुणा करते थे तो हमारी चकोर की संख्या आ जाती थी। अब हमें चकोर की संख्या दे रखी है तो हम इन दोनों को भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारी गोले की संख्या आ जाएगी। 9 और 108 को भाग करोगे तो 12 आएगा। अब 12 और 9 को गुणा करके देखो 108 ही आएगा। अब हमारे पास 12 और 7 हो गया, 12 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 12 सत्य 84, 17 और 7 को गुणा करेंगे तो 119, 17 सत्य 119, 17 और 6 को गुणा करेंगे तो 102 आएगा। 11 और 6 को गुणा करेंगे तो 66 आएगा। अब 11 और 9 को गुणा करेंगे तो 99 आएगा, 99, ठीक है। ऐसे हमें ये वाला करना है। 8 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब यहाँ पे हमें आगे दो संख्याएं नहीं दे रखी तो अभी हम उसको निकालेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे हमें एक संख्या नहीं दे रखी, यानी कि इस गोले की संख्या दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी। तो इन दोनों को जैसे हमने यहाँ पे भाग किया था वैसे हम इन दोनों को भाग कर लेंगे। 8 और 104 को भाग करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 70 और 13 को हमें भाग करना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे गोले की संख्या नहीं दे रखी, तो इन दोनों को भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ की दोनों संख्याएं जो है वो नहीं है, तो यहाँ की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को और 64 को आपस में भाग करेंगे। 4 को 64 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। यानी कि जो दो गोले वाली संख्या होती है उनको तो हम गुणा करते हैं, और हमारे पास एक चकोर और एक गोले वाली संख्या होती है तो उसको हम भाग करते हैं, ठीक है। अब आगे का पैटर्न देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 24, 19, 37, यहाँ पे भी लिखा हुआ 37, 24, 19, आगे पीछे लिखा है लेकिन सेम संख्या वही लिखी है। ऐसे ही यहाँ पे जो संख्या लिखी है वही यहाँ पे लिखी है। ऐसे हमें यहाँ पे करना है, जो संख्या यहाँ लिखी है वही वाली संख्या हमें यहाँ लिखनी है। जैसे अब यहाँ पे 42 और 80 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 65 और 80 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 42 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 65 और 80 कर देंगे और यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। जो संख्या यहाँ नहीं लिखी उसको यहाँ लिख देंगे, जो संख्या यहाँ नहीं लिखी उसको यहाँ लिख देंगे। इसको बोलते हैं हम पैटर्न। यहाँ पे 400 आ जाएगा और ये 200 और ये 300, हम इसका मतलब जो सेम पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर है 48 गुणा 13 और 13 गुणा 48, ये दोनों बराबर है, ये सारे बराबर हो गए, ठीक है। आप जांच करो कि ये ठीक है या नहीं, ये सब क्या है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तब भी 624 आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तब भी 624 आता, तो ये क्या है, बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे हाँ, ये बराबर है, दोनों क्या है, 624, ठीक है। अब आगे देखो, उल्टा सीधा वैसे का वैसा, चाहे आप इधर से देखो चाहे आप उधर से देखो, उल्टा सीधा वैसे का वैसा। 101 को तुम्हें कुछ खास दिख रहा है, इसमें क्या खास दिख रहा है कि ये इधर से भी 121 है और इधर से भी 121 है, दोनों तरफ से क्या है, 121 है। क्या यह तो केवल एक संख्या है, देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाईं ओर से पड़ी वही रहती है, मतलब वही पड़े हम उसको सेम वही पढ़ सकते हैं। अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1, 2, 1 ही है, चाहे दाएं से बाएं पढ़ो चाहे बाएं से दाएं। तो हमें ऐसी ही संख्या यहाँ पर जो हमें बनानी, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बनेंगी। जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 4 और 3, ठीक है। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, 3 और 4 कर दिया, ठीक है।
ठीक है, यहां से ये चार और तीन है, यहां से तीन चार, और जब हमने इन दोनों को जमा किया तो क्या बन गया 77। 77 को चाहे दाएं से बाएं पढ़ो चाहे बाएं से दाएं, दोनों तरफ से ये एक जैसी है। ऐसी एक संख्या और ले ली 48, उसको हमने चार आठ का आठ चार कर दिया, फिर दोनों को जब हमने जमा किया तो एक तीन दो आ गया। अब इसको हमने दाएं से ये पढ़े या बाएं से, ये एक जैसी नहीं है। ये देखो यहां से तो एक तीन दो है, लेकिन हम इधर से पढ़ेंगे दाएं से तो दो तीन एक बन जाएगी। ठीक है, तो क्या ये विशेष संख्या है? नहीं, ये विशेष संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों तरफ से एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये है आगे पीछे से समान नहीं है। यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये है आगे पीछे से समान नहीं है। अब हमने क्या करा, जो एक तीन दो है, और एक तीन दो को उल्टा कर दो, इन अंकों को फिर से उल्टा कर दो, दो तीन एक बन गया। अब दोनों को जमा करो तो ये दोनों तरफ से जो पढ़ोगे तो एक जैसी ही लगेगी, तीन छह तीन और तीन छह तीन। अब जो है ये एक विशेष संख्या है, क्योंकि ये दोनों तरफ से समान है। देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज्यादा कदम उठाने पड़ते हैं। अब तुम इन संख्या को विशेष संख्या को में बदलने की कोशिश करो। अब हमें इनको विशेष संख्या में बदलना है, तो पहले हम इसे दो आठ दे रखा है, तो दो आठ का हम क्या कर लेंगे, आठ दो कर, पहले तो हमारा ये है हमारा पहले दो आठ, तो पहले तो हम इसको दो आठ लिखेंगे और फिर इसको कर देंगे आठ दो, और फिर इसको हम क्या कर देंगे जमा, आठ और दो दस, एक दस और एक ग्यारह। ठीक है, तो क्या ये विशेष संख्या बन रही है, एक एक जीरो, दाएं और बाएं से एक समान है? नहीं, ये दाएं और बाएं से एक समान नहीं है, तो इसको भी अब हम उल्टा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा जीरो एक एक। अब हम इसको जमा करेंगे एक दो एक, अब ये विशेष संख्या बन गई दाएं और बाएं से, यहां से भी एक दो एक है और यहां से भी एक दो एक है। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे, ये जो एक तीन दो है ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि यही वाला है सेम, ये तो बिल्कुल ऐसे ही करना। अब ये जो है दो सात तीन, दो सात तीन को, एक तो दो सात तीन हो गया, एक हो गया तीन सात दो, इसको जमा कर लो पांच चौदह, तीन पांच और एक छह, अब ये क्या बन गया छह चार पांच, ये दोनों तरफ से एक समान नहीं है ना, दाएं से ना बाएं से, तो इसको उल्टा कर लो, पांच चार छह, छह और पांच ग्यारह, चार और चार आठ और एक नौ, और छह और पांच ग्यारह। तो अब ये क्या विशेष संख्या बन गई है, अभी ये विशेष संख्या नहीं बनी। अगर हम इसको यहां से पढ़ेंगे तो एक नौ एक एक आएगा, इधर से पढ़ेंगे तो एक एक नौ एक, तो इसको फिर से उल्टा कर दो, एक नौ एक एक, अब जमा कर लो दो दस, नौ और एक दस और एक ग्यारह, फिर एक दो तीन, तीन एक जीरो दो बन गई। क्या अभी ये विशेष संख्या बन गई? अभी भी ये नहीं बनी, इसको फिर से उल्टा कर दो, दो एक जीरो तीन, तीन और पांच यहां पे जीरो, दो और ये पांच, अब क्या बन गई पांच, यहां पे बन गई ये तीन और दो पांच, यहां पे क्या था ये, यहां पे आएगा दो जीरो, यहां पर आएगा जब हम इसको उल्टा करेंगे तो दो जीरो एक और तीन आएगा जब हम इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, हमने इसी संख्या को उल्टा करना था, तो अब ये क्या बन जाएगा पांच एक एक पांच, अब ये जो है एक विशेष संख्या बन गई। अब चाहे इधर से पढ़ो पांच एक एक पांच, इधर से पढ़ो तब भी पांच एक एक पांच, जब तक ये विशेष संख्या नहीं बन जाती इसको हम उल्टा इसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब आगे आ जाता है, ऐसे और कुछ शब्द ढूंढो जो आप उल्टा सीधा करके एक जैसे जो उसको पढ़ा जा सके, ऐसा आपने उसको बनाना है। आगे देखो यहां पर एक आ जाता है, अब एक कैलेंडर आ जाता है, इस कैलेंडर में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो, चलो कैलेंडर पर तीन गुणा तीन नौ तिथियां का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। यहां पे देखो तीन गुणा तीन का है, यहां से भी एक दो तीन और यहां से भी एक दो तीन, एक बक्सा इन्होंने बना रखा है, अगर हम और कोई बक्सा बनाए तो हम उसका भी तीन गुणा तीन का बना सकते हैं, जैसे कि हम यहां से ही बना लें इसका, तो ये हमारा तीन तीन इसके अंदर आ गए, दो नौ सोलह और दो तीन चार, तीन इधर से और तीन इधर से। अब इसमें से सबसे छोटा अंक हमें बताना है, जो इन्होंने पहले बक्सा ले रखा था उसमें सबसे छोटा अंक तीन था, उसमें इन्होंने आठ जोड़ा, आठ जोड़ने के बाद इनका ग्यारह आ गया, उसको नौ से गुणा कर दिया तो निन्यानवे आ गया। ठीक है, बीच का अंक लो और उसे नौ से गुणा कर दो, देखो ये और भी जल्दी उत्तर आता है, अभी क्या आ गया निन्यानवे। ये निन्यानवे का क्या मतलब है कि अगर हम इन सब संख्याओं को आपस में जमा करें, यहाँ पे जितने भी हमें बॉक्स में दे रखी है, ये जितने भी हमें पहले इन्होंने जो बॉक्स दे रखा था इसको जमा कर, तो हमारा उत्तर निन्यानवे आएगा।
हमें एक एक को जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरीके से करें तो हमें पता चल जाएगा कि इन सबको जमा करने पे क्या आएगा। ऐसी अब जो हमने एक बॉक्स बनाया है, दो तीन चार यहां से और यहां से, अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या क्या है वो है दो, यहां लिख देती हूं मैं, सबसे छोटी संख्या दो है। अब इसमें आठ जमा करने पर क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा। उसको नौ से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, नब्बे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नब्बे क्या है, नब्बे का मतलब ये कि अगर मैं इन सबको जमा करूं, इन सब अंकों को जमा करूं, तो इन सब का उत्तर जो है वो नब्बे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, मैं बक्से की इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कैसे कर सकती हूँ, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। उसने पूछा कैसे कर सकती हूँ इन सबको, अगर मुझे जोड़ना हो तो कैसे करूंगा, तो उसने बोला इसमें तो कुछ समय लगेगा, संख्याओं का जोड़ 99 है। जो उन्होंने पहले वाला बक्सा बनाया था उसका संख्या का जोड़ 99 था, तो उन्होंने हमें ये एक तरीका बताया, पैटर्न बनाया, अगर इस तरीके से करोगे तो जल्दी कर सकते हो। तो हमने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया और जो दूसरा बक्सा बनाया था उसको हमने ऐसे किया कि इसकी सबसे छोटी संख्या दूसरे बक्से की हमने दो ले ली, उसमें आठ जोड़ दिया, उसमें जो आठ जोड़ के उत्तर आया उसको नौ से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया नब्बे। यानी कि जो हमने जो बक्सा बनाया है इन सबका जोड़ अगर हम देखें तो नब्बे आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी करने हैं। अब आगे देखो, यहां पर कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी दो तीन चार पांच से गुणा करो। जैसे पैटर्न चल रहा है, दो तीन चार पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर ये सब बारह से गुणा करने हैं, और यहाँ पे तीन तीन का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, आगे जैसे जैसे हम इसको गुणा करते जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा पिचहत्तर। बारह को छह से गुणा करेंगे उसमें तीन जोड़ेंगे पिचहत्तर, फिर आगे बारह को सात से गुणा करेंगे उसमें तीन जोड़ेंगे सतासी, फिर आगे 99 और 111, ऐसे गुणा करके तीन जोड़ते जाना है। आगे देखो एक और पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे क्या है, नौ, नौ आठ, नौ आठ सात, नौ आठ सात छह, नौ आठ सात छह पांच, नौ आठ सात छह पांच चार, नौ आठ सात छह पांच चार तीन, यहाँ पे सारे आठ से भाग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात। ठीक है, ये जो है आगे पैटर्न चलता जा रहा है। अब यहां देखो, यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, सबको जमा करेंगे तो पचपन, इन सबको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये है 55, ये है 155। अब आ गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब आ जाएगा 255। ऐसे इसके आगे काउंटिंग काउंटिंग लिखोगे तो ये 355, 455, 555 और 655, ये बीच की जो गिनती आप अपने आप लिख सकते हो। आगे देखो मजा विषय संख्याओं का, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक जमा तीन क्या होता है चार, और दो गुणा दो क्या होता है चार, एक तीन पांच को जमा करेंगे तो नौ, तीन गुणा तीन चार, यहाँ पे हमें दो गुणा दो, तीन गुणा तीन, चार गुणा चार, यहाँ पे हम करेंगे पांच गुणा पांच कितना आएगा पच्चीस, यहाँ पे छह गुणा छह कितना आएगा छत्तीस, यहाँ पे सात गुणा सात कितना आएगा उनचास। ठीक है, आगे है, अब यहाँ पर है एक बूझो मेरी संख्या, जैसे कि यह खेल आप भी कई बार बच्चे आपस में खेलते हैं कि कोई संख्या अपने मन में सोच लो, उसको इससे गुणा करो, उसको इससे आधा करो, उसको भाग करो, ऐसे ऐसी संख्या आप एक गेम खेलते हो ना, तो वही वाली गेम जो है वो यहाँ पर हमें दे रखी है। बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाने का खेल खेल रहे हैं। कोई भी संख्या सोच लो अपने मन में, दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बन्नो और विनोद ये खेल रहे हैं कि तुम अपने मन में कोई संख्या सोच लो और वो जो दूसरा वाला है बच्चा वो संख्या का पता लगाएगा। कैसे, जो भी संख्या उसने अपने, मान लो कि बन्नो ने विनोद को बोला मेरी सोची हुई संख्या क्या है, अच्छा विनोद ने बन्नो को बोला कि तुम अपने मन में एक संख्या सोच लो, तो बन्नो ने अपने मन में एक संख्या सोच लिया, वो पूछे कि मेरी सोची हुई संख्या क्या है। अब विनोद कहता है कि यह सौ के आधे से बड़ा है, कि वो ये कहता है विनोद इसको कि जो संख्या तुमने अपने मन में सोची है वो जो सौ का आधा है पचास, उससे क्या है बड़ी है, यानी कि पचास से बड़ी है वो संख्या। जो भी संख्या वो आएगी, अभी तो अभी नहीं पता, लेकिन जो भी संख्या वो आएगी वो पचास से बड़ी है, क्योंकि वो उसने बताया कि वो सौ के आधे से बड़ी संख्या है। ये छह दहाई से ज्यादा और सात दहाई से कम है, छह दहाई का मतलब क्या हो गया साठ और सात दहाई का मतलब क्या हो गया सत्तर, उससे कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगी जो भी संख्या आएगी। ठीक है,
दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी कि जो संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच की होगी। अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो सकती है, 61, 61, 62, यानी कि जो भी संख्या आएगी उसके आगे 6 जरूर आएगा, क्योंकि 60 से लेकर 70 के बीच की अगर गिनती देखो तो 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62,
कोई एक संख्या है, क्योंकि इसके बाद तो 70 आ जाएगा और 60 से 70 के बीच में है, तो कौन सी संख्या है वो? तो कह रहे कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक होगा। अब मान लो यहां पर ये जो है ये इकाई है, ये दहाई है, इन सब में इकाई दहाई है। अब वो कह रहे हैं कि जो इकाई का अंक है, यानी कि जो पहले नंबर पे अंक आएगा ना, जो भी संख्या इसकी यहाँ की है, वो जो पहले नंबर पे अंक आएगा वो इससे एक कम होगा। तो 6 से एक कम क्या है? वो 5 है, यानी कि ये 6 से एक कम क्या है? 5 है, ठीक है। यानी कि जो इकाई के स्थान पे जो संख्या आएगी ना वो होगी 5। अगर इकाई के स्थान पे संख्या 5 आती है तो ये तो हमें पहले से पता कि यहाँ पे 6 ही आएगा, तो वो संख्या कौन सी होगी यहाँ पे? वो होगी 65। वो संख्या 50 से बड़ी होगी उसने बोला था, तो वो संख्या है 65। संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। अब 6 और 5 को जब जमा करते हैं, 6 जमा 5 तो क्या जाता है? 11, ठीक है। इस चीज को दोबारा समझ लो, उन्होंने बोला है कि जो दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक होगा, इसका मतलब इनमें से जो भी संख्या है उसके अंदर जो इकाई का अंक है वो सिर्फ यही संख्या बन रही है। देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? कम है। ये यहां पे लिखा है दहाई का अंक, ये दहाई का अंक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, ये एक अधिक है इससे। देखो इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है ना, एक ज्यादा है ना, तो यही उन्होंने बोला था कि जो दहाई का अंक होगा वो इकाई के अंक से एक अधिक होगा। तो ये एक अधिक ही है, 5 से एक अधिक क्या होता है? 6। तो हमें एक अंक कम लिखना था यहां पर, तो यहां पे 5 ही बनेगा, ठीक है। तो वो संख्या होगी 65। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब जो उसने आगे सोचा है, अब जो है बन्नो विनोद को बोलती कि तुम अपने मन में कोई नंबर सोच लो, तो मेरी सोची संख्या क्या है? विनोद कहता है तुम बताओ। तो बन्नो बोलती है यह 100 के आधे से छोटा है, यानी कि अब जो 100 संख्या आएगी वो 50 से छोटी आएगी, यानी कि उसमें 50 बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, जैसे कि पहले 50 से बड़ी संख्या थी। अब यह जो है 4 दहाई से ज्यादा और 5 दहाई से कम होगी। 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब 50, यानी कि 40 और 50 के बीच की संख्या है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक होगा। अब जो है दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 2 अधिक होगा। अब दहाई का अंक यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है। और वो किससे कम होगा? दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक होगा, यानी कि इससे 2 अधिक। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 में ही 2 घटा के देख लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब है दहाई के स्थान पे तो हमें पता है 4 आएगा और इकाई के स्थान पे भी हमें पता चल गया क्या आएगा। इकाई के स्थान पे आएगा 2। अगर इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है और दहाई के स्थान पे हमें पता है 4 है, तो वो संख्या क्या बन गई? 42। तो वो संख्या होगी 42 और अंकों का जोड़ अगर हम 4 और 2 को जमा करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है। पहले उन्होंने हमें क्या बोला था कि जो दहाई का अंक होगा वो इकाई के अंक से एक अधिक होगा, तो ये इससे जो है एक अधिक ही था। अब उन्होंने बोला था कि जो दहाई के स्थान पे अंक होगा वो इकाई के स्थान से 2 ज्यादा होगा, तो 2 से ज्यादा ही है ना, देखो 2 ज्यादा ही, ये 2 है ये 4 है, डबल है इसका। तो निकालने का तरीका यही है कि आप ऐसे किया करो, जब वो कहते हैं ना कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक होगा, तो दहाई के स्थान पे तो हमें पता ही है 4 है, जैसे हमें यहां पता था कि दहाई के स्थान पे 6 है, तो इन्होंने एक अधिक बोला था तो हमने इसमें से 1 घटा दिया था, अब इन्होंने 2 अधिक बोला तो हमने इसमें से 2 घटा दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारे इकाई के स्थान की संख्या आ जाएगी। इकाई के स्थान पे यहाँ पे 2 आया तो ये हमें दहाई का पहले से ही पता था, ऐसे यहाँ पे इकाई के स्थान के लिए 5 आया और हमें दहाई का पहले से ही पता था, तो ये 65 बन गया था, ये 42 बन गया, ठीक है। अपनी सोची हुई संख्या के लिए संकेत लिखो, फिर उसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही आपने आगे भी गेम खेलने हैं, ठीक है। अब यहां पर है अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखो, उसमें 5 जोड़ो
जोड़ को 2 से गुणा करो और उसमें 10 घटाओ। अब मान लो आपने आपके दोस्त ने बताया जो है अपने दोस्त की आयु कैसे लिख बता करनी है, उसने बताया 7। अब 7 में जो हमें 5 जोड़ना है तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। फिर उसको किससे करना है, फिर उसमें 5 जोड़ो और जो को जोड़ जो आएगा उसको 2 से गुणा करो, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। फिर उसमें से 10 घटा दो तो कितना आएगा 14। और फिर जो उत्तर आएगा उसको 2 से भाग कर दो, 14 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा फिर से 7 ही आ जाएगा जो उसकी आयु थी। ठीक है, जो भी उसकी आयु अगर वो मन में भी सोचता है, अगर वो आपको नहीं भी बताता, अगर वो मन में सोचता है तो आप उसको 5 से जमा कर लेना, फिर जो उत्तर आएगा उसको 2 से गुणा कर लेना, फिर जो उत्तर आएगा उसको 10 से घटा देना, फिर जो उत्तर आएगा उसको 2 से भाग कर देना, तो उसकी आयु आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक संख्या लेनी है, मान लो हमने 5 संख्या ले ली, अब हमें 5 को 2 से गुणा करना है तो 10 आ गया, फिर 10 को 5 से गुणा करना है तो 50 आ गया, फिर 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, वापिस वही उत्तर आ गया। ऐसी एक संख्या और ले लो, अब हम 6 ले लेते हैं, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, जो ली गई संख्या है, जो हमने संख्या ली थी 6 को 24 और जो हमारा उत्तर था उससे जोड़ो, 6 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, 60 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, वही संख्या आ गई फिर से। ठीक है, अब आगे देखो, दी गई संख्याओं के पैटर्न ढूंढो और आगे बनाओ, जैसे यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, अब यहाँ पे 1, 1, 1, 1, 1, 1 तीन बार, अब यहाँ आ जाएगा 4 बार, यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ पे भी 4 बार। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियोस हमारी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज आप इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू।